आपको बता दें कि राज्य सरकार तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को विश्व स्तरीय गच्चीबौली स्टेडियम की 5 एकड़ जमीन आवंटित कराएगी, जिसका विरोध करते हुए लगभग 150 एथलीट्स ने अपने कोचों और माता पिता के साथ जीएमसी बालयोगी एथलेटिक्स स्टेडियम में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और सेव गच्चीबौली स्टेडियम एंड डू नॉट अलॉट स्पोर्ट्स लैंड टू नॉन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के होल्डिंग प्लैकार्ड लेकर स्टेडियम के सिंथेटिक ट्रैक पर मोर्चा निकाला, जिसमें उन्होंने सरकार से एथलीट्स को प्रशिक्षण सुविधाओं से वंचित न करने का आग्रह किया। आपको ये बता दे, हॉकी स्टेडियम जिसके पास भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव है, कई वर्षों से पुरुष हॉकी टीम के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र रहा है और पिछले साल स्टेडियम की कुल 67 एकड़ जमीन में से 9 एकड़ से अधिक खेल गांव को कोविड स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया गया था। स्टेडियम प्रशासन के सदस्यों का कहना है कि प्राइम स्टेडियम के 5 एकड़ के स्थानांतरण से एथलीट प्रशिक्षण सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। हालांकि तेलंगाना ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जयेश रंजन ने कहा, टीम्स के लिए जो जमीन दी गई है वह वो जगह है जहां तीरंदाजी का अभ्यास होता है। मैंने खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और उन्होंने हमें यह भी बताया कि वैकल्पिक स्थान की पहचान करके इस मुद्दे को हल किया जा सकता है। रही बात तीरंदाजी की, तो स्टेडियम के पिछले हिस्से में खाली जगह है जिसे तीरंदाजी की सुविधा के लिए खाली किया जा सकता है। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं।